संबित पात्रा सामने। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि रेल केवल एक कनेक्टिविटी का सूत्र नहीं है, वो एक भावना, एक इमोशन का भी सूत्र है। क्योंकि मैं जगन्नाथपुरी से आता हूँ, मुझे लगता है आज सभी लोग जो प्रस्ताव में रखने वाला हूँ, माननीय मंत्री जी भी उड़ीसा से आते हैं और हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, सभी स्वीकार करेंगे। कोई भी ट्रेन से उड़ीसा जाता है और उसकी इच्छा होती है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करे, कर नहीं पाते हैं, तो ये इच्छा होती है कि कम से कम प्रसाद ले कर वापस जाएँ। आज मैं प्रस्ताव देना चाहूँगा रेल मंत्रालय को कि रेल मंत्रालय हमारे जो मंदिर के प्रशासक है, जिसको मंदिर कमेटी कहते हैं, गजपति महाराज है पुरी के, हमारा जो सेवायत है जगन्नाथ मंदिर के और जो मुक्ति मंडप है जहाँ पंचांग बनता है, उनके साथ एक बार चर्चा करके इस विषय पर ध्यान करें कि क्या यह संभव है कि उड़ीसा के मुख्य रेलवे स्टेशन जैसे भुवनेश्वर, कटक, पुरी, बालेश्वर इत्यादि में हम कियोस्क नहीं कहेंगे, टेम्पल सेंटर, सूखा प्रसाद सेंटर कह के सेवायतों के माध्यम से अगर हम वहाँ पर प्रसाद का विषय रखते हैं, तो जो भी यात्रीगण वहाँ से जाते हैं महाप्रभु के प्रसाद को प्राप्त करेंगे और कहीं ना कहीं वो जो इमोशन, वो जो भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं को सम्मान मिलेगा। ओके, मैं ये विषय माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।